गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कुलपति ने एड्स से बचाव के उपायों को बताया तथा स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं को एड्स के प्रति जागरूक रहने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने साहसिक कार्यक्रम शिविर तथा प्री आरडी कैंप में प्रशिक्षित होकर आए स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रोफेसर केशव सिंह, डॉक्टर अमित उपाध्याय, डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, प्रीति, शकुंतला देवी, भगवान दास, संजना गुप्ता, पूजा यादव, दिव्या मालवीय, विशाल गुप्ता, सागर चौधरी, ललिता मौर्य, अंकुर कुमार मिश्रा, अमन उपाध्याय, सुमित कसौधन, आनंद चौरसिया, राधेश्याम प्रजापति, शालू यादव, अंकिता, श्रुति सिंह, प्रियंका विश्वकर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, इसके तहत माननीय कुलपति जी जैसे ही हस्ताक्षर करके कार्यक्रम का संचालन के द्वारा राष्ट्र की प्रस्तुति कार्यक्रम के प्रारंभ करते हुए एनएसएस समय में जितेंद्र सोनी को मन पर एनएसएस जो आए और पूछ ये जगे जगे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे प्रसार दे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। आप लोग तालियों से स्वागत करें। इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो। जैसा आप जानते हैं, आप लोग प्रशिक्षण में गए हुए थे जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए। रीजनल की आपके बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे अपने विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय सेवा माननीय कुलपति महोदय जी को अपनी तरफ से एनएसएस परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप और आपके नेतृत्व में आगे भी करते रहेंगे। हम लोग के बीच में माननीय डीएसडब्ल्यू सर डॉक्टर अजय सिंह जी आए हुए हैं, आप लोग तालियों से स्वागत करिए। हमारे जनवरी में जाने वाली है, उसके लिए भी चयन प्रक्रिया हम बहुत जल्द ही करने वाले हैं। और सभी स्वयंसेवकों को बता दें कि आप लोग प्रतिभाग करें। देखिए बच्चे अभी प्रतिभाग करके आए हैं। ये एक सिंबॉलिक है कि इस इतनी खतरनाक बीमारी है, इसको आज मिल के मनाना और इसके जनरल अवेयरनेस पे बात करना एनएसएस का एक सिंबॉलिक एसेज है कि आप लोग किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से आप साफ सुथरा रह सकते हैं। और इसको ये यहीं तक नहीं करना है, इसको आगे तक मैसेज को लेके जाना है। हर बच्चा अपने शहर में, अपने हॉस्टल में, अपने गांव में, अपने आस पास ये वातावरण बनाए। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें और मेरी शुभकामनाएँ आज उन बच्चों को जो अवार्ड लेके आए। जय हिंद। इधर सर, भारत माता।
आज एड्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस पर एक एनएसएस के तत्वाधान से एक रैली निकाली गई है, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये एक सिंबॉलिक है, एक मैसेज देता है जनता में कि एड्स के प्रति हमें कितना जागरूक रहना चाहिए, और एनएसएस इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और इसकी इनको शुभकामनाएँ, आशीर्वाद।